तो गाइज इस गर्मी में हम निकल चुके हैं वोट देने, बट मेरे पास तो वोटिंग कार्ड नहीं है। तो भी ट्राई करेंगे कि हम लोगों को दिखा पाए पोलिंग बूथ की सीन बाहर से। अंदर से शायद परमिशन नहीं होती, बाहर खड़े रहने की परमिशन नहीं होती। तो भी देखते हैं क्या होता है आप लोगों के लिए सुमित का ब्लॉग, कुछ तो दिखाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता कि जिसके पास वोटिंग कार्ड नहीं होता उसके साथ यहाँ पे क्या होता है। आई मीन उसका अंदर छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, हम ट्राई करेंगे। तो गाइज ये एज एग्जांपल रहता है कि आप कैसे वोट करोगे, नोटा या ABCDE जो पार्टी को करना है आप कर सकते हो। ऐसे वो ऐसा है, आई मीन मेरे को डांटेंगे अगर मुझे कहो तो ऐसा अंदर है। तो इसमें से आपको एक को वोट करना रहता है आई थिंक, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी वोट नहीं किया। तो अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फ़ोन लेके जाना, बट मुझे अंदर छोड़ेंगे ही नहीं मेन बात। तो हम पूछते हैं उनको कि हमें अंदर छोड़ेंगे क्या, बस देखने के लिए। वोटिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है, आपको आपके साथ आपका आईडी प्रूफ लाना पड़ता है और वो जो लिस्ट रहती है उस पर आपका एक नाम रहता है, आपके हाथ में जो स्लिप रहती है उस पर वही पोलिंग बूथ पे आप जा सकते हो। और वहाँ पे जो नंबर काउंट रहता है उसके हिसाब से आपको अंदर एंट्री मिलती है। जब आपको एंट्री मिलती है तब आप कुछ साइन वाइन करते हो, वो नहीं देखा मैंने। और जब और थोड़ा आगे जाते हो तो इंक लगती है हाथ पे, और थोड़ा आगे जाते हो तो वो पोलिंग बूथ रहता है जिसके अंदर एक स्कैन रहता है और एक बटन का रहता है। तो जब बटन दबा दे तो स्कैन का, वो तो मैंने नहीं देखा, बट मैंने एक अंकल के हेल्प करने के लिए जब मैं अंदर गया तब मैंने थोड़ा बहुत देख लिया। और उसके बाद वहाँ से यहाँ पे आते हो तो वहाँ पे एक आपका नाम पे कट करते हैं, आपके जो नंबर रहता है वो अनाउंस करके कट करते हैं, ऐसा करके आप वहाँ से बाहर आ जाते हो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस रहती है, अभी भीड़ कम रहती है तो टाइम के हिसाब से आप जाओ। और टाइमिंग्स हमेशा सेम रहती है, अलग रहती है पता नहीं, मैं इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं। तो यही है सिंपल प्रोसेस वोट करने की और देश को आगे बढ़ाने की। और आई होप सो कि मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे उन सब ने वोट किया होगा, क्योंकि मेरे पिछले जितने भी 4-5 वीडियो है या 2-3 वीडियो है और जो मेरे को डालने थे वो डाल नहीं पाया क्योंकि आचार संहिता का प्रॉब्लम हो गया था, प्रॉब्लम नहीं हो गया था उनका रूल लागू हो गया था इलेक्शन कमीशन का, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे वीडियो डाल नहीं पाया। बट गाइज मेरा हर एक वीडियो में यही मोटो रहा है और रहेगा कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि वोट करो देश को आगे लेके जाओ। बहुत दिन से जो झगड़े चल रहे हैं मेरे मम्मी के और इसके बीच में, क्योंकि ये बहुत गंदा कर रहा है बिल्डिंग को, तो यार क्या करें, अभी डर रहा है मेरे से। मेरे मम्मी ने इसको भी डांटा ना इसको, तो अभी आप देखोगे एक वाइड एंगल की क्वालिटी। बाल खराब हो गए अभी, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको अलग कंटेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब सुमित का ब्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ एंड मैं अभी थोड़ी वीडियो देख रहा था थोड़ी यूट्यूबर्स के, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब क्रिएटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट प्लीज़ यूट्यूब यार सबको आगे आने का चांस दो। आई फील लाइक कि मेरे कंटेंट में कमी होती है कभी कभी, क्या हमेशा होती होगी, बट मैं खुद से जितना हो सके उतना ट्राई करता हूँ। मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ, फ़ोन से अपलोड करता हूँ, मैं फ़ोन पे ही शूट करता हूँ। इस सब के बीच में बहुत सारी कमियाँ आ जाती है वीडियो में, बट जो क्वालिटी और कंटेंट इम्प्रोवाइजेशन रहता है वो मेरा जितना हो सके उतना ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आगे जाके हम उसको बहुत सुधारेंगे, एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करूँगा। मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो पहले से देख रहे हैं उनको कभी नाराज़ होते हुए नहीं देखूंगा कि वो मेरा कंटेंट ख़राब लगे उनको। तो अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना कि वीडियो में क्या ख़राब लग गया या क्या ख़राब ऐसी चीज़ हो गई जिसके वजह से वो वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा। तो अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उस पर और फोकस कर पाऊँगा। तो थैंक यू गाइज मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए।